राज्य एवं देश विदेश किसी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं आज खबर को स्वागत करुच्ची संयुक्ता प्रथम देखने कौन रही आज हेडलाइंस। कुक्सरा ग्राम पंचायत गड्रामाल गाँव में कोरोना महामारी द्रुत वृद्धि को नहीं सात दिन धरी निषिद्धांचल घोषणा कले सरपंच। कोरोना काल में असहाय गरीब लोक रंधा खाद्य बांटिले संथ निरंकरी मिशन एभली कार्यपाई विभिन्न महल प्रशंसा। जौतुक नववधू को हत्या झील को शाशुघर लोके मारी अभोग आतकों माँ खुल्लम खुला चली एमसीएल कर्तृपक्ष अन्याय और दुर्नीति एपटे जलुची कोटि कोटि टंकार जातीय संपत्ति ना नजर अच्छी प्रशासन ना एमसीएल रो। बुलेटिन आरंभ करबा आजर सबुठारु सेही बड़ खबर रु कोक्सरा ब्लॉक समेत कोक्सरा ग्राम पंचायत गडरामाल गाँव में कोरोना महामारी धीरे धीरे द्रुत गति में बढ़ुवर यह आखि आगे रखी साधारण जनता सामूहिक स्वार्थ एवं कोरोना संक्रमण को प्रतिहत करने ब्लॉक प्रशासन निर्देश क्रमे उक्त ग्राम को सोमवार रविवार पर्यंत सात दिन धरी निषिद्धांचल घोषणा कर सरपंच किशोर चंद्र प्रधानी। कौनसी व्यक्ति विशेष यह निषिद्धांचल को जावासवा करे ना अंचल लोक बाहर को बाहरी पारे ना। ग्राम पंचायत पक्षर डाकबाजी जंत्र द्वारा बाहर राज्य आसुवा व्यक्ति 14 दिन निज घरे संगरोधे रही कहुई सहित संक्रमित व्यक्ति पर सामाजिक बासंद तथा मौलिक अधिकार क्षुण्ण जथा पानीय जल बिजुली खाद्य सामग्री आदि वंचित करे ना। तेज आसतु शुणा कोरोना संक्रमण वृद्धि को नहीं कौन कहते गडरामाल ग्रामर किसी सचेतन ग्रामवासी जगार सचेतन अभाव रोचे द्वितीय मेडिकल टीम अभाव रही मेडिकल टीम टाइम पूरा जरूरी जेनटा कि मैंने आज तारीख में जड़े पर मेडिकल जीवा लगे अटोटे डाकले भी अटो नहीं आसवा कि निजे किए गोटे भी सहयोग नहीं करवा पंचायत तरफ जितकी सहयोग अच्छे से ठीक है कि जार पाखे बैक अच्छे से बैक्रे बसिक पल समस्त पाखे बैक नहीं ना गोटे गरीब परिवार से मैंने दुई दिन तलर कथा से अटोरे जावा लगे मैंने 10-15 अटो के फोन कला परिशेष आंबुलांस के भी फोन कराला से आंबुलांस बाला कहला तुमको जो जर हो बोले मुझे नहीं जाए अन्न काण हो बोले जी बोले ये जगह काण कराबा से जगार प्रशासन के आम गोटे अनुरोध मैंने गाँव में मेडिकल टीम टा निहाती रहबा दरकार। पंचायत तरफ तो बहुत किसी करा हो सर लोक नहीं मानवा सर गाँ को प्रशासनिक तरफ सानिटरी होगा दरकार एवं सचेतनतार अभाव अच्छे सर सचेतन हेले एका कोरोना मुक्त गाँ हाँ आज आरोना भय को दूर करहब सर पंचायत तरफ जिते सचेतन कले लोक मैंने सचेतनता हो पार ना से आम गाँव में बहुत लोग करोनार द्वितीय लहर शिकार होती और मृत्युवरण भी कर तो आम प्रशासन को यदि कहूँ आम गाँव स्क्रीनिंग टेस्ट करवाटा निहाती जरूरी लोक मैंने यपर्यंत सचेतनता हो पार ना मैंने पंचायत तरफ जहाँ किसी सुविधा जोगे कथा जोगे एपर्तंत कौन से लोक भी सचेतनता हो पार व्यवस्था 3 तारीख संक्रमण महामारी गोर्रामाल व्यापी थी गोर्रामाल ग्राम को सात दिन निषिद्ध अंचल घोषणा कर सोमवार ठार आसंता रविवार पर्यंत जदि कौन लोक अमानिया हेले से दंड भोगवा पड़ आने समस्ते जदि काम नाई तो घरे रहंतु बाहर को बाहर ना अत्यावश्यक जिनिस से जगह भी दिजाव टाइम पड़े कोक्सरा पंचायतवासी को अनुरोध करुच्ची ये महामारी करोना बहुत संक्रमण कोक्सरा पंचायत को आम दिन सका 6 दिन 12 पर्यटन आम दुकान पनीपरिया दूरता मेन्टेन कर खोल समस्त को घोषणा कर सरकार 5-19 पर्यंत लॉकडाउन घोषणा करते समस्ते मानिक चल पड़ो अमान्य समस्त को दंड भोगवा पड़ो मास्क पिंधतु दूरे रहंतु जहाँ जब काम अच्छी तेज़ बाहर को बाहर नाहर ना। कोक्सरारु किशन कुमार पटनायक रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। कटक सहर रे कोविड नियम को आखि आगे रखी सरकार लॉकडाउन और शटडाउन घोषणा करछंती।
ଏହି ସମୟରେ ଅସହାୟ ଗରିବ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖି ଛତ୍ରାବଜାର ବଳଭଦ୍ରପୁର ଥିବା ସନ୍ଥ ନିରଙ୍କରୀ ମିଶନ ତରଫରୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଦରଗା ବଜାରର ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଏସ୍ପି ଜୋନ୍ ଟୁ ଶେଖ୍ ସରିଫୁଦ୍ଦିନ, ଦରଗା ବଜାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସହରରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସଂଗଠନ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପେଟ ପୂରାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏହି ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଏହି ସଂଗଠନ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କମିଶନରର ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି। ନୀଳଙ୍କରୀ ମିଶନ ତରଫରୁ ଆଜି ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଉଛୁ। କଟକ ଏସ୍ସିବି ଜୋନ୍ ଟୁର ଶରୀଫ ସାର୍ ଏବଂ ଦରଗା ଜାରାଇ ଜେନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ରବିବାର ସଭାକାରୀ ନୀଳଙ୍କରୀ ମିଶନ ଗ୍ରୁପ୍ ତରଫରୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ସାର୍ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ ଯୋଜନା ଆମେ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଠାରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଉଛି। ଏଇ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଓ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପୁରୁଣା ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେ ସ୍ଥିତି ଆଉ ଆରମ୍ଭ ନ ହଉ ଏଇଟା ଆମ ପ୍ରୟାସ ରହିଥିଲା। ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ଅନେକ ସଚେତନତା ପୁଲିସ ତରଫରୁ କରାଗଲା ପରେ ବି ଏଇଟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଏବେ ଲକଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ପୁଣି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଦମ ରସୁଲ ଆଉ ହାତୀପୋଖରୀ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲକଡାଉନରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପାଇବାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ପୁଲିସ ତରଫରୁ, କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଡୋନର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲୁ, ଦରଗା ବଜାର ଆଇସି ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ଆମେ ଏସ୍ସିପି ଜୋନ୍ ଟୁ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡୋନର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍, ଏହାକୁ ପୁଣି ଆମେ ସେଇ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସାକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଲକଡାଉନରେ ଗତ ବର୍ଷର ଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ଆମର ମାଲଗୋଦାମର ନୀଲୁ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଏଇ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବଣ୍ଟନ ଜାରି ରହିବ, ଲକଡାଉନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପାଇବେ। କଟକରୁ ଏମ୍ଡି ଯାବତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦା ଥାନା ଅଧୀନ କଳମଚୁଆ ଗ୍ରାମର କସ୍ତୁରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ 37 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ପ୍ରଭାତୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ମାରିଦେଇଥିବା ଉପଦା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ମା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଦା ଥାନା ଅଧୀନ କେତିକି ଝୁରୀ ଗ୍ରାମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ର କଳମଚୁଆ ଗ୍ରାମର କସ୍ତୁରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରଭାତୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରଭାତୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ବାପଘର ଲୋକକୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ ଖଇରୀ ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଭାତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ମିଶି ଝିଅକୁ ମାରିଦେଇଥିବା ନେଇ ବାପଘର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ଯୌତୁକ ଦାବି କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଗତ 3 ଦିନ ତଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ପ୍ରଭାତୀଙ୍କୁ ବାପଘରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଭାତୀଙ୍କ ବାପା ଟଙ୍କା ନ ଦେଇପାରିବାରୁ ଝିଅକୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ମାରିଦେଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରଭାତୀଙ୍କ ମା ଉପଦା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର, ଝିଅ ବାରମ୍ବାର ପଇସା ମାଗୁଥିଲା, ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନା କରୁ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ଝିଅକୁ ମର୍ଡର୍ କରାହେଇଛି କାଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଝିଅର ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ ଝିଅ ଏମିତି ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁନି, ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯାଅ କହିଲାରୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ତାଙ୍କ ଦେଢ଼ଶୁର କହିଲେ କରୋନା ଟାଇମ୍ ଆମେ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ରିକ୍ସ ନେଇପାରିବୁନି କହିଲେ, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ବାପଘର ତରଫରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଠାଇକି ତାକୁ ଝିଅକୁ ଆଣିକି ଖଇରା ମେଡିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପକା ହେଇଛି। ପକେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଥାନା ଏଫଆଇଆର କରାଯିବ, ଏଫଆଇଆର କରିକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ନିଆଯିବ। ନୀଳଗିରୁ ଗୟାଦଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ତାଲଚେରରେ ରହିଛି 8ଟି ଓପନ୍ କାଷ୍ଟ କୋଇଲା ଖଣି। ଏହି ଖଣିରୁ ଦିନକୁ ଦିନ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର କଳାତିପାତ କରନ୍ତି ତାଲଚେରବାସୀ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ନୀତିର କଳାପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ଏମ୍ସିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କର ଖୁଲମଖୁଲା ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ଆମେ କହୁଛୁ ତାଲଚେର ଅନନ୍ତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଇଲା ଖଣିର କୋଇଲା ଷ୍ଟକ୍ରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କୋଇଲା ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଥିବା କଥା। ଏମ୍ସିଏଲ୍ର ନିଜସ୍ୱ ଅଗ୍ନିଶମ ଥିବାବେଳେ କାହିଁକି ଏଠି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଏ ନାହିଁ? ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେହି କୋଇଲା ଷ୍ଟକ୍ର ଇନ୍ଚାର୍ଜଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡ଼ିବାର ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ?
निजर दोष और दुर्बलता लुचाई कौन यही खुद एमसीएल कर्तृपक्ष लगाऊना तो एमती अनेक प्रश्न उंकी मारुची तालचेरवासी मनरे तेज देखा बाकी रहा जगन्नाथ कोईला खणीर महाप्रबंधक और प्रकल्प अधिकारी केबे संपृक्त कोईला स्टॉक इंचार्ज उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण करलचेर अनुराग आचार्य रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। वर्तमान समय रे कोरोना द्वितीय लहर संक्रमण दिनक दिन वृद्धि पाइबे लगी फलरे तालचेर धीरे धीरे कोरोना रोगी संख्या वृद्धि पाई बेले तालचेर प्रशासन पर चिंतार कारण पलटि तेणु सहर विभिन्न स्थान में पौर परिषद कर्मचारी और पुलिस तत्वावधान में लोक मानकर गहली और मास्क जांच करछंती। प्रश्न उठे पौर परिषद कर्मचारी माने बुली बुली निरीह लोकों ठारु मोटा अंकर फाइन आदाय करथुबा बेले खुद पौर परिषद ऑफिस रे बिना मास्क रे देखंतु किपरि कर्मचारी माने कार्य करछंती। निरीह लोकमानक ठारु लक्षाधिक टंका फाइन आदाय करथुबा बेले पौर परिषद मास्क पिंधि नथिबा संपृक्त कर्मचारी मानक ठारु फाइन किए आदाय करिवो साधारण रे चर्चा होची तबे देखिबा को बाकी रहिला संपृक्त कर्मचारी को उपरे कि कार्यानुष्ठान ग्रहण करछंती कार्यनिर्वाही अधिकारीनी। तालचेरु अनुराग आचार्य रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। गतकाल मान्यवर गणशिक्षा मंत्री श्रीजुक्त समीर रंजन दास अध्यक्षतार निमापड़ा पीडब्ल्यूडीआईबी ठारे कोविड पर एक जरूरी कालीन बैठक अनुष्ठित होता। यह बैठक में तृतीय पर्याय कोविड टीका गुरुत्व दि जाता माइक्रो कंटेनमेंट जोन रे अधिक फोकस देवाई विडीओ तहसिलदार मेडिकल अफिसर मानक कई छणीजंग पंचायतर बिलसाई और चौरपदा पंचायत में अधिक टेस्ट करने ग्राम को सानिटाइज करने कई गो बजार और निमापड़ा बजार व्यवसायी संघ सह आलोचना कर बजार किपरी ठीक समय खोली जल्दी बंद हेब से दुई विडीओ को दायित्व दि जाएगी मेडिकल किपरी सुचारू रूपे कोविड टेस्ट हो पार और टीका ग्रहण कर चारिछक मेडिकल अफिसर निमापड़ा पुलिस अफिसर ओ वीडियो को दायित्व दे दिछि निमापड़ा गोप निर्वाचन मंडल समस्त प्रमुख अधिकारी वीडियो तहसीलदार पुलिस अधिकारी एवं एनएससी रो जो माने अधिकारी माने अछन्ते समस्त मने कोरोना संपर्क रे एक रिव्यू बैठक हेतला विशेष भाबरे आज दिन रे कोरोना रो जो संक्रमित होइछि गो ब्लॉक रो कोणार्क ठारे एवं निमापड़ा ब्लॉक एवं एनएससी ठारे रो निमापड़ा ब्लॉक ठारे निमापड़ा महाविद्यालय ठारे जो कोरोना हॉस्पिटल खोला जाई से संपर्क में सविशेष सूचना निया निमापड़ा रे ऑक्सीजन बेड मध्य बहुत खाली अच्छी आम 14 दुईटी एडमिशन होती बर्तमान सुधा 12 खाली अच्छी से भाव में कोणार्क चारोटी एडमिशन होती प्राय 17 ऑक्सीजन बेड खाली अच्छी अनेक बेड अच्छी तेणु निमापड़ा गोप कोरोनार स्थित को सठिक भाव में समीक्षा कर टीकादान कार्यक्रम जो अच्छी किपर भाव में श्रृंखलित भाव में हो पार से गुरुत्व दि जाइए जो जो जगार दुईट जगार दुई जन मृत्युवरण करपर भाव में सानिटाइज कर टेस्ट किपर भाव में करपर गुरुत्व दि जाए। निमापड़ा शिशिर कुमार साई रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। गतकाली चारिछक गोप रास्ता छणीजंग ठारे टाटा एसी सहित एक स्कूटी मध्यरे धक्का हबारु स्कूटी चालक गुरुतर होइतिले सूचना अनुजाई चारिछक बजारु एक टाटा एसी जाउथुबा बेले आशापूर्ण ग्रामर निलुआ भोई विचित्र भोई एक स्कूटी रे दुई जण व्यक्ति आसुथुबा बेले छणीजंग ठारे मुआमुई धक्का हेबा द्वारा गुरुतर होइछंती। निलुआ भोईर डाहाण हात अति गुरुतर होता बेले विचित्र भोईर डाहाण गोड़ और मुह अति शोचनीय होता जमापड़ स्थानीय लोके 108 आंबुलांस चिकित्सा लगे चारिछक गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को नहीं जाते किंतु अवस्था गुरुतर होवर डाक्तर भुवनेश्वर कैपिटाल हस्पिटाल स्थानातर करते दुर्घटनार खबर पाए पुलिस संगे संगे घटनास्थल में पहुंची गाड़ी को जबत करने तदंत कर निमापड़ शिशिर कुमार साई रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। बालेश्वर जिला खैरा थाना अधीन सारडांग ग्राम से जड़े जलखिया दोकानी सन्देहजनक मृत्यु सारडांग ग्रामर 54 वर्षीय गोपाल चंद्र रणा गत राति सारडांग बजार निज दोकान शोले हेले आज सका ग्रामवासी माने दोकान को आसीले हेले गोपाल उठी नथिबा देखिथिले परे ग्रामवासी माने डाकिबा सहित दोकान पछपटे जाए गोपाल मृत होइथिबा देखिबा को पाइथिले एने ग्रामवासी खैरा थाना को खबर देथिले खबर पाई खैरा पुलिस घटनास्थल रे पहुंची तदंत चलाइछि। नीलगिरु गयाधर साहू को रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। केन्दुझर जिलार बड़बिल उपकोषागार अधीन क्षमता प्राप्त स्टाम्प भेंडर बिंदुरेखा महांतों द्वारा प्रदान कर 50 टंकिया स्टाम्प पेपर एवं से ही पेपर में चंपुआ उपकोषागार स्टाम्प रही जार कौन तथ्य पाखे नक्त पेपर टीजस्व दस्तखत और स्टाम्प व्यवहार कर
से कहते पेपर से बिकि ना कथा उठी एभली बेनियम कार्य करुच किए तेज देखा बाकी रहा ए बाबद को प्रशासन की प्रकार पदक्षेप ग्रहण करदी प्रशासन पक्ष आखिदुशिया पदक्षेप ग्रहण कराए कला बजारी पदुर्भाव्य वृद्धि पाव एमात्र सन्देह ना मडबिलु एमडी नाजीन रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। केन्दुझर जिला बड़बिल थाना अंतर्गत भुसुगा ग्रामर सुनील त्रिपाठी एक घर बहु परिमाण में लौहखंड तार जाली मोटर सैकेल प्रभृति अनैतिक भाव में ठूल कर बड़बिल पुलिस गिरफ्त कर। सूचना अनुसार बमेबारी थाना अंतर्गत जुरुडी ग्रामर त्रिलोचन पात्र नामक जड़े व्यक्ति मोटर सैकेल चोरी होता से संक्रांत में से एक एफआईआर बमेबारी थाना दाखल करते बमेबारी पुलिस और बड़बिल पुलिस मोटर सैकेल को श्री त्रिपाठी बासभवन ठाब करते तदारख समय से कैंपस अनेक गुड़े मोटर सैकेल और अन्य लौह सामग्री थी देखा पाई सबुर कागज श्री त्रिपाठी मैनेजर सुरबुद्दीन शेख पाखे ना अनैतिक भाव में 15 मोटर सैकेल और अन्य सामग्री रखि अभोग बड़बिल पुलिस से एक मामला रुजू कर तदंत जारी रखी। बड़बिलु एमडी नाजीर को रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। निज स्त्री को छाड़ी अन्य एक युवती को नहीं रासलीला करुथिले प्रेमिक स्वामी हेले लोकों हाथ में धरा पड़े और पुलिस को डाकी हस्तांतर कले। एमती एक अभावनीय घटना घटी निश्चिंत कोइली अंचल रे। तबे खबर पाई प्रथम स्त्री आसी पहुंची निज स्वामी को पेटेंट मेडिसिन देते आ थाना चली हाई प्रोफाइल ड्रामा खाली से नुहे आउ जड़े युवती प्रेम जाल में फसई जीवन नष्ट अभोग प्रथम पत्नी प्रेमिक युवक जनक होती केन्द्रापड़ा बारुआ अंचल गगन प्रधान देढ़ वर्ष तले प्रेम विवाह करते गगन आबे पुणी जड़े द्वितीय युवती धरा पड़ते गगन तेरे अन्य जड़े युवती गगन प्रेम जाल में फसई तार जीवन नष्ट प्रथम स्त्री अभियोग प्रथम स्त्री को से नोटारी बहुत करते तेरे छाड़पत्र नदे एवं द्वितीय युवती को निज स्त्री कहते गगन अंपटे गगन पूर्व बहुत करते से जाणि ना युवती जनक तेरे घटना को नहीं पुलिस तदंत जारी रखी। बुलेटिन शेषे हेडलाइंस पुणे थे। कुक्सरा ग्राम पंचायत तो गड्रामाल गाँव में कोरोना महामारी द्रुत वृद्धि को नहीं 7 दिन धरी निषिद्धांचल घोषणा कले सरपंच। कोरोना काल में असहाय गरीब लोकों रंधा खाद्य बांटिले संथ निरंकरी मिशन एभली कार्यपाई विभिन्न महलर प्रशंसा। जौतुक नववधु को हत्या झील को शाशुघर लोके मारी अभोग आतकों मां खुल्लम खुला चली एमसीएल कर्तृपक्ष अन्याय और दुर्नीति एपटे जलुची कोटि कोटि टंकार जातीय संपत्ति ना नजर अच्छी प्रशासन रो ना एमसीएल रो। आज पई आज खबर को एट रखा नमस्कार। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दिंतु।